हे व्हाट्सअप गाइस, यू वाचिंग द डिफेंस फोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है तेजस की तरफ से। आपको पता होगा कि तेजस एक लाइट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है और इंडिया चाह रहा है कि इसका एक्सपोर्ट किया जाए, यानी कि तेजस मार्क 1A वर्जन का, जिसको आप तेजस EX के नाम से भी जानते हो, यानी कि थोड़ा मॉडिफाइड होगा, उसका जो एक्सपोर्ट वर्जन है वो यहाँ पे बना लिया गया है JAL की तरफ से। और इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करने का प्लान किया जा रहा है डिप्लोमेटिक वे पे, पॉलिटिकल वे पे, और साथ ही साथ डिफेंस की तरफ से, यानी कि जब भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स हो गए या फिर हमारे आर्मी के चीफ हो गए या फिर एयरफोर्स के चीफ हो गए, जब भी वहाँ जाते हैं दूसरे कंट्री में, तो इसको पुश करते हैं डिफेंस डील्स को, जिससे कि यानी कि ऐसी जो डील्स हैं वो हर कंट्री पुश करती है, लेकिन इंडिया की तरफ से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं कि तेजस को एक्सपोर्ट किया जाए। तो यहाँ पे जो श्रीलंका है वो मोस्ट पॉसिबल है कि पहला कस्टमर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे श्रीलंका को ये शो किया गया। और श्रीलंका की जो एयरफोर्स है वो काफ़ी बड़ी नहीं है, इनके पास 10 से 12 ही एयरक्राफ्ट्स हैं, और ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं इन्हें एयर डोमिनेंस या फिर एयर सुपेरियरिटी के लिए नहीं चाहिए होते हैं, यहाँ पे मिलिटेंट्स को अटैक करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि अपने ही कंट्री में यूज़ करते हैं। और इनका कोई ऐसा पड़ोसी है भी नहीं जिनके खिलाफ ये कोई भी एयरक्राफ्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो इन्हें सस्ते एयरक्राफ्ट चाहिए और जो कि ज़्यादा समय तक चल सकें। इसके अलावा यहाँ पे सिंगापुर हो गए, कतर हो गए, बहरीन हो गए, और साथ ही साथ भी एक नई कंट्री का नाम आया है आर्मेनिया, वो भी बहुत ही जल्द एवेल्युएट कर सकते हैं तेजस को, क्योंकि उन्हें लाइट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट चाहिए जो कि काफ़ी समय तक चल सके। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर रशिया के प्रेशर में आने के बाद वो यहाँ पे इस फाइटर जेट को न खरीदे, क्योंकि यहाँ पे अमेरिकन इंजन लगा हुआ है। लेकिन इन फ्यूचर आपको नहीं पता कि जियोपॉलिटिक्स में क्या होता है और किस तरीके से बाकी सारी चीज़ें काम कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे तेजस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो यहाँ पे इसके प्रोडक्शन लाइन को लेके आने वाली है, यानी कि इसका प्रोडक्शन लाइन किस तरीके से बनेगा कि जिससे कि हम आने वाले समय में इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी आपको पता होगा 18 एयरक्राफ्ट बनाने की क्षमता है। इसके अलावा कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड, इन्होंने यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे दिया है बेंगलुरु बेस्ड ADD इंजीनियरिंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि यहाँ पे तुमकुरु मशीन टूल पार्क में एक लैंड लेने वाले हैं, जहाँ पे तेजस को जो एक्सपोर्ट है वहाँ यानी कि मैन्युफैक्चर किया जाएगा। यहाँ पे तेजस मार्क 1A और साथ ही साथ मार्क 2 दोनों ही एयरक्राफ्ट यहाँ से मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने की तैयारी हो रही है। और आने वाले समय में हो सकता है कि इसी प्लांट से ये जो एक्सपोर्ट है वो किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आप नंबर्स को देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास जो तेजस है वो 18 के नंबर में लिए जा सकते हैं, यानी कि हर साल हम 18 तेजस बना सकते हैं। इसके अलावा अगर इसको फुल पोटेंशियल में पहुँचाया जाए, यानी कि नासिक फैसिलिटी को भी अगर तेजस बनाने में लगा दिया जाए, तो वहाँ से 5 तेजस आ सकते हैं, तो अराउंड 21 या 22 जो तेजस हैं वो यहाँ पे हर साल इंडिया बना सकता है। इसके अलावा अगर ये प्रोडक्शन लाइन बन जाती है, अराउंड इसमें भी 3 से 4 साल लगेंगे, अगर ये अभी से शुरू होता है बनना तो यहाँ पे 3 से 4 साल लगेंगे, उसके बाद इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पे शुरू होने वाली है। और अगर ये मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है तो यहाँ से जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी जल्दी हो जाएगा, और अगर एक्सपोर्ट हो जाएगा तो हमें पे जो 21 और 22 एयरक्राफ्ट पर ईयर हम इसको भी अचीव कर सकते हैं, यानी कि एयरफोर्स में काफ़ी जल्दी शामिल कर सकते हैं। और जो एक प्लान था कि 2029 तक जो तेजस मार्क 1A है उसकी डिलीवरी यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है, तो ये जो डिलीवरी है वो काफ़ी जल्दी की जा सकती है, यानी कि जिस तरीके से पहले प्लान किया गया था कि 2026 और 27 में इसकी डिलीवरी कंप्लीट कर ली जाएगी, उसके बाद तेजस मार्क 2 आएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि MRSAM की तरफ से आ रही है। तो आपको पता होगा कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ही एक ऐसी कंपनी है जो कि एरोस्पेस और साथ ही साथ मिसाइल्स या फिर एमोनेशन इन सभी में काफ़ी ज़्यादा काम करती है, या फिर आप कह सकते हो काउंटर मेजर सिस्टम्स हो गए, इंफ्राइट सिस्टम्स हो गए, इसके अलावा यहाँ पे जो मिसाइल्स के पार्ट्स होते हैं इसके सिस्टम्स हो गए, तो इन सारे सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर करती है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो यहाँ पे इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है, यानी कि ये ऑर्डर पहले ही मिल चुका है। MRSAM के जो रियर सेक्शंस होते हैं, यानी कि मिसाइल के आगे का जो पार्ट होता है, मोस्ट प्रोबेबली सेंसर्स हो गए या फिर रेडार हो गए, इन सभी के जो सिस्टम्स हो गए, ये चीज़ क्लैरिफाई नहीं की गई है कि किस सिस्टम का, लेकिन रियर सिस्टम है तो मोस्ट पॉसिबल है कि इसके जो सीकर्स हो गए इन सभी के बारे में ही होगा। तो ये जो सिस्टम से इनका इन्हें काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है, और इन्होंने कहा है कि इसको पार्ट बाय पार्ट, यानी कि एक छोटे छोटे ऑर्डर्स में इसको पूरा कर देंगे, यानी कि 2023 से पहले पहले तक इसकी जो डिलीवरी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता है कि MRSAM क्या है, तो MRSAM एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि सर जिस तरीके से हमारे पास BARAK-8 है उसी तरीके की, जो है कि वो शिप से लॉन्च किया सकता है, इसी तरीके से लैंड बेस्ड एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि एक अच्छी खासी रेंज पे जाके इजीली किसी भी टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि KFX की तरफ से आ रही है। तो KFX में जनरल इलेक्ट्रिक के F414 जो इंजन है उसका यहाँ पे यूज़ किया जाने वाला है, यानी कि इनिशियल बैचेस में, जिस तरीके से हमारे एमका में प्रोग्राम में प्लान किया गया है। लेकिन इन्होंने जो रेडार है, IRST सेंसर्स है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, इन सभी चीज़ों को देश में बनाया है, यानी कि इंडिजिनसली डेवलप्ड है। और इनकी बात अगर देखें तो इन्होंने कहा है कि 2028 तक ये जो फुल स्केल प्रोडक्शन है वो यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, तो अराउंड अब जब हमारा एमका आएगा उससे 2 साल पहले इनकी जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।